हरिद्वार की कनखल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बीते महीने लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो 30 तारीख को यहां पर कनखल क्षेत्र में लूट की घटना घटित हुई थी, तो आज उसका अनावरण किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 और इनके साथी थे, जिनमें से कि एक साथी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया, क्योंकि वो पहले से वांटेड था केसेस में, तो उसके द्वारा जेल में अपना आत्मसमर्पण किया गया है और एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। इसमें जो लूटी गई संपत्ति है, उसमें से लगभग 95,000 रुपया और लगभग 18 तोला सोना हमको अभी तक मिल गया है। तो ये एक क्योंकि बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, क्योंकि 4 दिन हुए हैं अभी घटना को घटित, इसमें हमें लीड्स मिली थी, उन्हीं लीड्स पर काम किया गया, जिससे कि आज हम इस अपराध की तह तक पहुंचे। बहुत कम कल ही हमें, क्योंकि वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर, जिसको कि मैनुअल मुखबिरी कहते हैं, तो मैनुअल मुखबिरी के थ्रू हमको कुछ सूचनाएं मिली, उसकी तस्दीक फिर हमारे द्वारा जो सर्विलांस के माध्यम है, सीसीटीवी कवरेज है, उसको भी एनालाइज किया गया और उसके माध्यम से फिर हम इस इन जो ये अपराधी हैं उन तक पहुंच पाए। जो ये पकड़े गए, जो पूछताछ हमने की है, उसमें ये पता पड़ा कि इनके यहाँ पर एक अभियुक्त किराएदार के रूप में रहता था और उसी के द्वारा ही, क्योंकि उसको सब पता था, और उसी के द्वारा फिर ये प्लानिंग बनाई गई और बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, जो कि कुछ लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास भी है और एक इनमें हिस्ट्री शीटर भी है। तो अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और भी चीज़ें इनसे हम पूछताछ करेंगे। टोटल कितने जो बेसिकली घर में घुसने वाले थे, वो तो 3 अभियुक्त थे, इसके अलावा 3 और अभियुक्त थे जो इसकी प्लानिंग में शामिल थे, तो कुल मिलाकर इसमें 6 अभियुक्त सम्मिलित थे।